जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th की डिग्री को अकाउंटेंसी हम लोगों ने 24 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं जनरल चैप्टर के 2023। 4 मार्च को परचेज करिए बिल्डिंग दोस्त 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 की, और इनकर करें एक्सपेंसेस 10,000 के ऑन इट्स परचेज। मतलब ब्रोकरेज दी होगी, कमीशन दिया होगा, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ये सारे काम करे होंगे बिल्डिंग को खरीदते समय, तो सारे खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। सिंपल फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। चलो, बिल्डिंग परचेज करी है 2023 मार्च 4, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 कैश, क्योंकि बैंक चेक कुछ लिखा नहीं है, ऐसा पेटीएम फोन पे कुछ किया नहीं है उन्होंने, पूरा का पूरा पैसा बेटा 1.5 लाख तो जाएगा ही जाएगा बिल्डिंग अकाउंट में। 10,000 रुपए का अगर आपका मन था कि भाई एक्सपेंसेस के नाम से लिख दूं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा पैसा आपका यहीं पर ऐड होगा। 1.5 लाख प्लस 10,000, 1,60,000। यहाँ सिंपल लिखेंगे बिल्डिंग परचेज 1.5 लाख की और एक्सपेंसेस इनकर करे 10,000 के, बट पूरा का पूरा क्यों जाता है इसके लिए आपको मेरी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली वीडियो जरूर देख लेना दोस्त, मजेदार वीडियो है एकदम, 15 मिनट में बनाई है मैंने, 11th 12th बीकॉम सीए सीएस सीएमए सभी स्टूडेंट्स के लिए। दस हजार इनकर करे एक्सपेंसेस, नेक्स्ट 10 मार्च को सतीश हु ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सतीश एक बंदा है जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया हमने, 60 पैसा पर रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ई स्टेट, 60 पैसा मिलेगा, 60% पैसा मिलेगा उसके ई स्टेट से। यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू सतीश कितना है 20,000 का 60%, 60 पैसा है ना रुपी का, मतलब समझ लो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में से आपको 60 पैसे मिलने वाले हैं, बेसिकली 60% मिलने वाला है, तो 20,000 का 60% हो गया 12,000, और बाकी का जो नहीं मिल रहा है वो आपका बैड डेट्स, बुरी उधारी है। आपने सतीश को उधार दिया, ये गलत बात थी, आपको उधार नहीं देना चाहिए था, बुरी उधारी, बैड मतलब बुरी, डेट मतलब उधारी। तो रुपीज 12,000 रिसीव्ड फ्रॉम सतीश एंड 8,000 रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स। 8,000 कहाँ रिकॉर्ड कर दी दोस्त आपने, बैड डेट्स में। दस मार्च को नेक्स्ट है 15 मार्च, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। 500 रुपए हमने पे करे ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर कराया, इस वाले केस में रिपेयर चार्जेस को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर रिपेयर भी लिख सकते हो, रिपेयर फॉर फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हो, पर रिपेयर लिखना जरूरी है, फर्नीचर मत लिख देना, क्यों? क्योंकि फर्नीचर एक एसेट होती है और रिपेयर एक एक्सपेंस होते हैं या लॉस होते हैं, तो रिपेयर कराइए आपने, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और कैश गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश क्रेडिट हो जाएगा। 500 रिपेयर चार्जेस टू कैश, लिखेंगे रिपेयर चार्जेस पेड, रिपेयर चार्जेस पेड फॉर फर्नीचर रुपीज 500। नेक्स्ट
नेक्स्ट 15 तारीख को होगा, 18 तारीख को प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर इज पर्सनल यूज कैश 5000 एंड गुड्स 2000। प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया है 5000 रुपए का कैश और 2000 रुपए के गुड्स, दोनों चीजें ही ड्रॉइंग्स हैं। ड्रॉइंग्स डेबिट हो जाएगी और कैश और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस क्या है दोस्त? जो गुड्स निकाला है उसमें, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू कैश टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस। कैश 5000 का और परचेज 2000। दोनों को मिला के डेबिट कर लिया हमने 7000 का, या दो एंट्री अलग अलग बना सकते थे, ड्रॉइंग्स टू कैश और ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। तो कैश रुपीज 5000 एंड गुड्स रुपीज 2000 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। घर पर ले गया सामान दुकान से उठा के, गार्नियर लाइट की क्रीम, चपाती गोल्ड का आटा, कोलगेट ब्रश और पैसा भी ले गया। चलिए साहब नेक्स्ट, परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए फॉलोइंग आइटम खरीदे, आयरन से 15000 रुपए की, फिलिंग कैबिनेट 5000 की, कंप्यूटर 12000 की, तीनों चीजें ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट होंगी 15, 5, 20 और 12, 32000। बाकी पोस्टेज और स्टेशनरी के खर्चे अलग से जाएंगे दोस्त, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑफिस इक्विपमेंट जाएगा 15, 5, 20 और 12, 32, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। टू कैश, सारे आइटम्स खरीदे आपने 15, 5, 20 और 12, 32000 के, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश 15, 5, 20 और 12, 32000 रुपए 20 मार्च को। मैं लिख सकते हो आयरन सेफ, लोहे की अलमारी, फिलिंग कैबिनेट फाइल रखने के लिए, और आपका कंप्यूटर, तीनों चीजें खरीदनी है आपने। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज 200 रुपए की, स्टेशनरी 150 रुपए की, और लास्ट में बिल भर दिया बिजली का ने 1600 का। पोस्टेज एक्सपेंसेस, पोस्टेज समझते हो, पोस्ट करने की, स्पीड पोस्ट और आपकी कोरियर पोस्टेज, स्टेशनरी, पेन पेंसिल फाइलें, ठीक है, स्टेपलर, कैलकुलेटर, बिजनेस के लिए कुछ लाया हो तो 200 का ये खर्चा है, 150 का। चाहो तो दोनों को एक साथ भी डाल सकते हो। टू कैश 25 मार्च 350 रुपये, यहाँ लिख देंगे पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड। 28 मार्च को हमने अब करी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो इलेक्ट्रिसिटी के आगे बेटा या तो एक्सपेंसेस या फिर चार्जेस लिखना अनिवार्य है, टेलीफोन के आगे भी एक्सपेंसेस या फिर चार्जेस, क्योंकि आप बिजली नहीं खरीदते हो, बिजली जलाते हो, ₹1600। सिंपल एंट्रियां थी, कुछ ज्यादा कठिन था नहीं, सारी पुरानी करी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, क्वेश्चन नंबर 25 का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। आप परचेज कर रहे हैं गुड्स 25,000 रुपीज का फॉर कैश एंड 200 रुपए पे कर रहे हैं कैरिज ऑन दिस गुड्स। कैरिज समझते हो, वो रिक्शे रेडी वाले अंकल जो साइकिल पर खींच कर लाते हैं सामान, उनको जो भाड़ा पे करते हैं उसे कैरिज बोलते हैं। अगर वो ट्रक चलाकर, टेम्पो चलाकर लाते हैं, ऑटो में लेकर आते हैं, तो फिर वो फ्रेट हो जाता है। कैरिज और फ्रेट में इतना सा फर्क होता है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट का डेबिट
और अमाउंट का क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हमने 25,000 रुपए के और कैरिज भाड़ा पे किया हमने 200 रुपए का। परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 200। सर यहाँ कैरेज अलग से जाता है? अगर हमने बिल्डिंग खरीदी होती, प्लांट मशीनरी फर्नीचर मोटर व्हीकल कुछ खरीदा होता तो आप कैरेज उसी की कॉस्ट। हाँ बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझाया ही मैंने ये। अगर कोई एसेट खरीदोगे आप तो भाड़ा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस सब उसमें जुड़ जाएंगे। बट अगर आप सामान खरीद रहे हो दुकान पर बेचने वाला, तो भाड़ा अलग से शो करोगे। भाड़ा मतलब कैरेज का पैसा, फ्रेट का पैसा, वो अलग से शो करोगे आप। अरे भैया कहाँ जा रहा है, 25,200 टोटल पेमेंट हुआ है आपका 25,200 का। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज 25,000, एंड कैरिज पेड 200। पॉइंट नंबर टू, परचेज गुड 40,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुधीर। सुधीर से 40,000 रुपए का सामान खरीदा हमने उधार पर, यानी एंट्री बननी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर। पेड 500 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। सर सामान तो उधार पर खरीदा है पर भाड़ा हमने तुरंत पे कर दिया। हाँ बेटा, सामान लिया सुधीर से, सुधीर रहता है हमारे घर से 500 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर, बहुत ज्यादा हो गया मतलब। सुधीर के और हमारे बीच में डिस्टेंस है बहुत। रेडी रिक्शे वाले अंकल हमसे उधार नहीं करना चाह रहे, अरे मेरे को भाड़ा मेरा भाई कैश में दो, मुझे तुरंत पैसा दो। तो यहाँ ये कहानी है, जो कैरेज है वो आपका तुरंत पे किया जाएगा, पर जो सामान है वो उधार पर है 40,000 का। तो चाहो तो दो एंट्रियां बना सकते हो, कंफ्यूजन ना हो रहा हो। तो इस टाइप की एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, क्योंकि गुड्स के पैसे नहीं दिए आपने, वो एंट्री है परचेज टू सुधीर, दिख रही हो अगर तो परचेज ये रहा, सुधीर ये रहा, कैरिज टू कैश बीच में शामिल हो गई है। ठीक है, आप चाहो तो दो अलग अलग, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर और कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, दो बना सकते हो। तो गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर 40,000 ऑन क्रेडिट एंड कैरिज पेड 500, भाड़ा जो पे किया हमने वो 500 रुपए पे किया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थ्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट, परचेज्ड मशीनरी 20,000, स्पेंट 500 ऑन इट्स कैरेज एंड 300 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, हम मशीनरी लेकर आए नई नई और उसके 500 रुपए भाड़े के ले लिए नहीं अंकल ने या किसी और ने, ये मशीन की कॉस्ट। अब कैरेज अलग से शो नहीं होगा, बस यही फर्क है कैपिटल और रेवेन्यू। ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर मतलब ऐसा खर्चा जिसको हम आज कर रहे हैं, सालों साल तक ये मशीनरी हमारे साथ रहेगी। गुड्स अभी खरीदे अभी बेचना चाहेंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों मैंने डिटेल वीडियो बताए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, प्लेलिस्ट में नहीं ढूंढ पाते, तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको एक एक क्वेरी कि ये इसमें क्यों जुड़ता है और वो इसमें क्यों नहीं जुड़ा बहुत आराम से बताऊंगा। कोई चार्ज नहीं है इसका, व्हाट्सएप क्वेरी पूछने का फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस समय लेते रिप्लाई मिलता है। कई बार ऑन टाइम तुरंत मिलता है, कई बार एक दो घंटे के अंदर मिल जाता है। 7906786321 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ परचेज डेबिट करूँ या मशीनरी? सर मशीनरी। फिर मुझे बताओ कैरेज डेबिट करूँ क्या? बिल्कुल नहीं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट करूँ क्या? बिल्कुल नहीं सर। सारे खर्चों को एक संग जोड़ दो, 20,000 प्लस 500 प्लस 300, 20,800 रुपए की मशीनरी पड़ी। जिस तरह एसी आप खरीद के लाते हो 42,000 का, फिर वो अलग से पाइप वाइप इलेक्ट्रॉनिक्स की फिटिंग, ठीक है, स्टेबलाइजर अलग से लेना पड़ता है, ठीक है, इन सब में आपके 8,000 रुपए अगर खर्च हो जाते हैं तो 42 + 8 50,000 का एसी पड़ता है आपको। सेम मशीनरी 20,800, 20,000 रुपए की मशीन, 500 रुपए का भाड़ा और 300 रुपए का लगाने वाला ले जा रहा है आपसे। ठीक है, मशीनरी परचेज इन कैश या कैश पेड, मशीनरी परचेज इन कैश या मशीनरी परचेज इन कैश पेड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 15,000 रुपए। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल, परचेज को डेबिट करिए सर, क्योंकि उधार पर लिए हैं तो कैश तो क्रेडिट होगा नहीं, बैंक तो क्रेडिट होगा नहीं, चेक तो कहीं लिखा नहीं है। वी हैव टू क्रेडिट अनिल, और कुछ इस तरह हमने यूं सामान लिया
अनिल ने सामान दिया, मुझे बताओ क्या डेबिट द रिसीवर का रूल हम पे लगेगा या क्रेडिट द गिवर का लगेगा? सर क्रेडिट द गिवर का, हमेशा पर्सनल अकाउंट का रूल दूसरे आदमी पर, दूसरे इंसान पर लगता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल, क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल ऑन क्रेडिट का मतलब ये नहीं क्रेडिट हुआ अनिल, सर ये उधार वाला क्रेडिट है, जिसकी क्रेडिट कार्ड वाली हिंदी होती ना, उधार वाला कार्ड। चलिए साहब, सोल्ड वन थर्ड ऑफ द अबव गुड्स, अबव कौन से? ये वाले ये अबव मतलब जस्ट ऊपर वाले। 15,000 का वन थर्ड गुड्स बेचा हमने, यानी 5,000 रुपए की कीमत वाला गुड्स, 20% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। 5,000 का 20% निकालोगे तो 1,000 निकलेगा, यानी गुड्स हमारे बिक रहे हैं 6,000 रुपए के। 5,000 का अगर आप 20% निकालोगे दोस्त तो ये निकलेगा 6,000 रुपए, 1,000 रुपए। 5,000 में 1,000 जोड़ा कितना आ गया? 6,000। एंट्री क्या करूं? क्या कहीं किसी का नाम लिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं लिख रहा। यहाँ एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या एंट्री करूंगा दोस्त? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री बनेगी दोस्त कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट हुआ और सेल्स क्रेडिट, कितने रुपए से? 5,000 से, 1,000 से या फिर 6,000 से? सर 6,000 से बनेगी, क्योंकि 15,000 का सामान था टोटल, वन थर्ड निकाला गुड्स सोल्ड इन कैश। चलिए सर नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, 12,000 का सामान बेचा हमने मिस्टर एक्स को, ठीक है, लड़कियों में से होगा किसी का। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स, इशूड इनवॉइस। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, इशूड वर्ड सुनकर वो चेक समझते हैं। नहीं बेटा, इनवॉइस मतलब होता है बिल, वो दुकानदार से जो आप बिल लेते हैं ना, पर्चा जिसे हिंदी में बोलते हैं, पर्चा है ये बिल, सामान का बिल लिख कर देते ना कितने रुपए कौन सी चीज है वो। 12,000 रुपए गुड्स से इनवॉइस काटा है इसने, 25% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कुछ भी कठिन नहीं है, बस कंफ्यूज मत होना, इससे पहले कर चुके हैं हम इस टाइप का। 12,000 रुपए 25% जोड़ोगे तो मैं तो यूं ही निकाल दे रहा हूँ 3,000 आएगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 12+3 में से 10% गए 1,500, 13,500 आएगा। बैठ के निकालते रहो, आपने अपने एक्स को सामान बेचा है, एक्स टू सेल्स। इशूड इनवॉइस का मतलब सिंपल है, बिल काटा है इसने बस, ठीक है, बिल काटा है, बिल काटा है, पर्चा काटा है, इसका मतलब चेक वैक से बिल्कुल नहीं है, उधार वाली सेल्स है। एक्स टू सेल्स एंट्री बनेगी 13,500। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, सर आपकी कैलकुलेशन गलत है या कैसे करी है, पूछना हो आपको, मैंने बस जल्दी में कर दी बिना शो करे, क्योंकि इससे पहले कई बार करा चुका हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चन यार ऐसे ही कराए आपको, ट्रेड डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट प्लस ट्रेड डिस्काउंट माइनस प्रॉफिट प्लस कर दिया मैंने 25%, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया मैंने। प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का फर्नीचर लिया था हमने, उस पर अब 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। जब भी कोई फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कोई मशीनरी, जब भी कोई डेप्रिसिएशन लगाने की जिद करे तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, बिकॉज लॉसेस आर डेबिटेड। और फर्नीचर हो या बिल्डिंग हो या प्लांट हो या मशीनरी हो या होम मोटर व्हीकल, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, यू हैव टू क्रेडिटेड। जब भी कोई एसेट को मुझे कम करने का मन करता मैं उसको क्रेडिट करता हूँ, मैं उसको क्रेडिट करता हूँ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। लेट्स बेबी आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, बहुत आसान सी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री सिंपल याद कर लो, डेप्रिसिएशन डेबिट, क्यों? लॉसेस आर डेबिटेड। देखो जिस तरह सैलरी पे करते हो कैश जाता है, चैरिटी पे करते हो कैश जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करते हो कैश जाता है, वेजेस पे करते हो कैश जाता है, फ्रेट पे करते हो कैश जाता है, कैरेज पे करते हो कैश जाता है, यहाँ कैश नहीं जा रहा, वो खर्चा तो डेबिट हो रहा है, वो बिल्डिंग से, मशीन से, प्लांट से क्रेडिट हो रहा है, बस कैश की जगह दूसरी एसेट क्रेडिट हो रही है। चैरिटी में हमने बांटे सामान और गुड्स और पैसे दोनों, मतलब चंदे की रसीद भी कटवाई 500 की गणपति की और 2,000 रुपए का हमने मीठा प्रसाद बनवाया वहां पर। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, चाहो तो दो एंट्रियां करो, चाहो तो एक एंट्री में निपटा लो। चैरिटी बेसिकली डेबिट ही होनी है, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। सर चैरिटी एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जरूरी है, पर मन की इच्छा है, भावना है हमारी, हमारी नहीं है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश
और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, मैंने दोनों एंट्रियां मर्ज कर दी। अब चाहो तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अलग 500 से और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अलग, लिखेंगे चैरिटी पेड रुपीज 500 एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी 2000। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ अगेन आपके पास, अगर कोई भी क्वेरी आपको होती है तो भैया हम आपके लिए हैं तत्पर अवेलेबल 7906786321 पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।